Congratulations to all of you. You all are watching me live. I have a surprise for you. See my waistcoat. आज मैं जब यहां पे आ रहा था तो मैंने मेरी मां से कहा मैं पहली बार फिल्म अवार्ड होस्ट कर रहा हूं तो मेरे को आशीर्वाद दे. मेरी मां कहती लख लख बधाइयां. मैंने कहा मां जिनके बीच में जा रहा हूं वो सब 100 करोड़ से ऊपर वाले लोग हैं तो लख लख बधाइयों से काम नहीं चलेगा. और सच भी ये है मैं सामने देख रहा हूं यहां पे काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फिल्में जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस कर चुकी हैं. कि स्वच्छ भारत अभियान का सपोर्ट आप और मैं ही नहीं पूरी टीवी और फिल्म प्रोड्यूसर गिल्ड कर रही है और हिंदुस्तान टाइम्स. कपिल के साथ बीच बीच में कुछ को होस्ट भी नजर आए पर सबसे ज्यादा परेशान उन्होंने परिणीति को ही किया. परिणीति का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ. ये बहुत ही मेहनती एक्टर है. ये खुद तो मेहनत करती है अपने को स्टार से बड़ी मेहनत करवाती है नहीं तो एक फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है. यही प्रॉब्लम है जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं कितने किसिंग सीन्स हैं वो याद रह जाते हैं. अरे आप लोग बड़े लोगों करके भूल जाते हो. हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है आपको पता. वो स्क्रिप्ट की डिमांड होती है स्क्रिप्ट में लिखा होता है समझ आई. तुम्हारी तरह नहीं है बिना स्क्रिप्ट के लगे हुए सब पे लाइन. तो तुम्हारी स्क्रिप्ट की डिमांड है मेरी जवानी की डिमांड है अपना अपना. जवानी की इतनी डिमांड की एक पिक्चर में चार चार हीरोइन आ गई है वो भी जवानी की डिमांड है. आई थिंक वी शुड चेंज द टॉपिक नाउ. नाउ व्हाई ऐसे ही इस बैग में क्या है. इस बैग में जितने भी स्टार्स यहाँ बैठे उनकी चेयर से क्या क्या निकला है वो है. क्या क्या निकला. चिट्ठी निकली है. हाँ ये वरुण की चेयर के नीचे था. ये चिट्ठी है. बेटा वरुण उम्मीद है कि तुम ठीक ठाक हो. तुम्हें कल फोन किया तुम्हारे बॉय ने उठाया. उसने कहा कि सर बिजी है. मैं जानता हूँ तुम 2017 तक बिजी हो पर एक बार मेरी स्टोरी तो सुन लो. तुम्हारा डैड डेविड धवन. कंगना ने लिखा है थैंक यू आर वेरी स्वीट. कंगना ने इधर लिखा उधर देख के क्या पढ़ रही हो. ओह शिट तो कमीना. ओह सॉरी सॉरी. ओह सॉरी सॉरी. इट्स ओके समहाउ वी हैव टू मैनेज. वैसे तो अपने पीके किसी अवार्ड फंक्शन में आते नहीं हैं, पर इस बार उनके गुरु जीके जरूर नजर आए जिन्होंने स्टार्स के हाथ को पकड़कर ही बता दी उनके मन की बात. मैं आपको पीके समझ रहा है. ये थोड़ा कम पीके आए हैं. ट्रांसिस्टर के पीछे धोती भी है. जी भाई साहब कहाँ से आए आप. हम जीके हो. क्या है. जीके. जीके आलिया को ढूंढने आए. अरे नहीं जनरल नॉलेज वाला जीके नहीं. हम पीके का दादा जीके हूँ. पीके का दादा जीके. हाँ मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं जीके साहब. अरे हम अपने पोते को ढूंढने खातिर आए हैं. आपने किसी को मेरे ख्याल से ध्यान से सुना नहीं कभी किसी बात नहीं. आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है. वो कभी अवार्ड फंक्शन में आते ही नहीं है. वो पीके काफी सक्सेस हो गई. कहीं पीके शायद एंजॉय कर रहे हो. आप गलत जगह पे आ गए. अरे नहीं नहीं जी हमारे गोले में शराब मिलती नहीं. आपके गोले में शराब नहीं मिलती. हाँ आपका गोला गुजरात में पड़ता है. मेरे को एक बात बताइए सर. यह ये बात सच है कि आपके गोले में आप किसी का हाथ पकड़ के उसके मन की बात बता देते हैं. हाँ अच्छा ऐसे मेरे मन में बताइए क्या चल रहा है. अच्छा बड़ा बदमाश हो. मनी मन ये सोच रहा हो कि जीके की पावर तोहरे पास आ जाए. आई अरे बाप रे आप तो सच्ची में बता सकते हैं. ऐसा कैसे हो सकता है यार. थोड़ा आप मेरे को दे सकते हैं ये पावर. नहीं आप एक काम कर सकते हैं मेरे लिए. यहाँ पे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं हमारे फिल्म स्टार. उनका हाथ पकड़ के आप बता सकते हैं उनमें मन में क्या चल रहा है उनके मन में. हाँ पक्का. ये काम हम कर सका कर सकते हैं. हाँ आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके पास. सबसे पहले अक्षय पाजी के हाथ पकड़ के आपको बताना है इनके दिमाग में क्या चल रहा है. अक्षय पाजी यहाँ बैठे हुए हैं. आठ बजे हमारे डिनर का वक्त वो तो गुजर चुका. 9:30 बजे हम सोने जा रहा था वो भी मिस हो. अब 5:00 बजे हमारी एक्सरसाइज का टाइम वो नहीं मिस हो सकता. कोई बात नहीं पाजी हम आपको 4 बजे यहीं से भेजेंगे. फंक्शन जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग. ये पंदा है लेकिन है कमाल का सर. सबके हाथ पकड़ के बता देता है. अरे अनिल कपूर साहब वहां पे बैठे उनका हाथ पकड़ के बताएंगे उनके दिमाग में क्या चल रहा है. ये टाइगर श्रॉफ हमने से भी यंग दिख रहा है.
सर टाइगर श्रॉफ को तो छोड़ दीजिए, वो तो सोनम से भी जूनियर है सर, ऐसे क्यों? पर सर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी फिटनेस की दाद देनी पड़ेगी, एक बार अनिल कपूर साहब के लिए जोरदार तालियां। सोनम की पहली फिल्म आई थी तो मुझे यकीन ही नहीं था कि अनिल कपूर साहब की बेटी, मुझे लगा नहीं नहीं यार ऐसे कैसे, कजन डॉटर होंगी शायद, पर कमाल है सर कमाल है। आइए और भी हमारे स्टार्स हैं यहाँ पे, ये रितेश देशमुख बैठे हुए हैं, इनका हाथ पकड़ के बताएंगे जरा ये क्या चल रहा है इनके दिमाग में। मेरा मेरा पकड़ लीजिए, मैं पकड़िए, आप भी पकड़िए, सिग्नल पकड़ता है, मैं पकड़ गया। इनके दिमाग में चल रहा है दो सूखे दूध के डिब्बे तीन डायपर। रितेश जनेली आपको किस काम के लिए भेजती, आप यहाँ पे आगे अवार्ड फंक्शन में आगे बैठ जाते? अक्षय कुमार क्या बात है सर, पर मुझे मत देखो आप ऐसे तैसे ही आज आपने, थैंक यू वेरी मच करते हैं। सर एक बार तो बात और करूंगा सर, सर दो दिल्ली वाले मिल जाते हैं ना बड़े मजे आते हैं। मेरा हाथ गया। अच्छा आप इतनी तेज, आप क्यों इतने बादाम खाते हो, आपने मेरी एक तो हाथ ऐसे तोड़ा है ना मेरा। अच्छा अच्छा सर ये वाला माइक ऑन कर देंगे, कोई बात नहीं। कैसे सर बहुत बढ़िया, कुछ वो तेरे पर है ना अपना, और ये वाला ऑन कर दिया सर, आपकी बात मानते मेरी बात नहीं मान रहे सर। सर ये आपने पर्स अपने सामने क्यों रखा हुआ है? जी इनका आपका कमबख्त, मेरे माइक में जंग लगा हुआ, ऑन करो इसको। सर एक बार बोल दो, मेरा माइक बंद कर रहे हैं सर, ये इस्तेमाल कर सर इससे कर लेते हैं सर। वैसे आप इतना एक्शन करते हैं सर, थोड़ी टिप्स मुझे भी दीजिए प्लीज। कैसे टिप्स ये बताएं सर, एक्शन के कैसे एक्शन करूं मैं? सबसे पहले अच्छा खाएं, सोएं, माँ के हाथ का बना हुआ खाएं, और उसके बाद सेहत बनाएं, बाहर जाके वड़ा पाव या ये जो गंदी गंदी चीजें खाते हो। सर बड़ी गंदी, मैं तो खाते नहीं सर, तो वड़ा पाव तो बहुत बढ़िया चीज हो सर, वो तो मैं खाता हूँ सर, लेकिन बाहर की मत खाया करो। बाहर की नहीं सर, मैं बाहर से लेके घर में आके अंदर खाता हूँ, घर का खाया करो, उसके बाद आपकी सेहत बनेगी, जो पतली सी टांगे हैं वो सेहतमंद बनेंगी। सर एक्चुअली टांगे मेरी पतली होगी, पहले मेरी टांगों पे बहुत बाल थे सर, जब से शेव किए टांगे पतली हो गई हैं सर। सर मैंने उनको बोला टांगे शेव कर दो, कहते हैं सर घास काटने वाली मशीन लाओ। ये इतनी बकवास करते इसलिए कोई सुनता नहीं तुम्हारी बात, नीचे झुक के क्या देखोगे? मेरे चरण, बेटे चरण यहाँ तक नहीं नीचे तक होते हैं, चरण गलत सीखते हो बेटे। इससे पहले कि तू मार खाए तू वहां पे वापस आ। नहीं नहीं रहने दो इसको, इसे बड़े दिन हो गए, मैं टीवी पे जब देखता हूँ ये लोगों की पकड़ता खींचता है। नहीं दे रहे मुझे इनको, पता माइक ये दे दो उसे दो चार। बड़ा अच्छा लगा आज आपने जो मेरा हौसला बढ़ाया ना, आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा उसके लिए। मैं मम्मी आई मेरी उनके सामने, आपने बेइज्जतियां करी है मेरी, कोई बात नहीं सर चॉकलेट खाइए। सर आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? ये न्यू रेजोल्यूशन कोई जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। आपका क्या है वैसे? सर हेल्दी खाऊंगा, मम्मी के हाथ का खाना खाऊंगा, वड़े पाव नहीं खाऊंगा बाहर से, घर लेके आऊंगा अंदर बैठ के खाऊंगा। थैंक यू सर, कुछ तो मीठा खिलाया आपने मुझे, थैंक यू। थैंक यू अकीबा, गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली यो-यो हनी सिंगर। आप की ना इमेज बड़ी बैड बॉय वाली है, तो सुशीला के थ्रू हम थोड़ी सी सुशीलता ट्राई करेंगे आपकी इमेज क्लीन करने के लिए। और सुशीला जी आपके लिए गिफ्ट लाई है। अभी नमस्ते कैसे हैं? और पिंटू कैसा? अच्छी है। हाँ जी गिफ्ट लाई है भाभी, थैंक यू सुशीला, थैंक यू। भाई आप गाना सुनोगे, थोड़ा सा रीवर्क किया है मैंने। सही भाई। इट माइट जस्ट वर्क टू क्लीन योर बैड 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 बॉय इमेज। पता नहीं कैसे बन गई। कैन वी हैव दिस ट्रैक नाउ प्लीज? अपनी आत्मा खुलन दो, पूजा शूजा हुलन दो, धूप बत्ती डोज चला के मोह माया भुलन दो। आदि ऑल नाइट, आदि ऑल नाइट,
आरती ऑल नाइट, वी डू आरती ऑल नाइट। सुन लो सारे दुनिया वालों, जितना भी तुम जोर लगा लो, करेंगे आरती सारी रात। हाथ में दम है तो शंख बजवा लो। धूप और बत्ती रोज जला के वो माया बुलंद दो। बजाते रहो घंटी, बजाते रहो घंटी, बजाते रहो घंटी, बजाते रहो। जिसने भी है आरती करनी, भक्ति में लीन होकर दूध पीकर। वैसा में है मिनरल वाटर नोएडा, गुड़गांव दिल्ली की बेटियां आई है, साथ में भक्ति संगीत की सीटियां भी लाई है। प्रभु के सम्मान की थाली पूरी तैयार है, कर लो आरती सारी रात, यही तो संस्कार है। भक्ति में क्राउड क्राउड तो बेटी अंकल बुला लेगी, अब बेटी नुई चाके कह दो कि आरती यू ही चलेगी। और मेरी भक्ति की नकली कैसेट आ रही है केवल और केवल टी सीरीज पे। थैंक यू वेरी मच।